नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से जो इम्पोर्टेंट नोटिस निकला उसके बारे में। तो ये जो नोटिस है वो रिलीज किया गया था 12 अगस्त को। अब देखिए क्या है इस नोटिस में, क्या है कि पहले जो यूनिवर्सिटी हैज़ रिसीव सेवरल गवर्नेंस फ्रॉम कैंडिडेट हु फेस डिफिकल्टी इन मेकिंग पेमेंट ऑफ एकेडमिक फीस कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट फॉर कैंडिडेट द सेंटर एडमिशन कमेटी हैज रिजोल्व दैट एकेडमिक फीस सबमिशन डेट टू बी एक्सटेंड फॉर वन एडिशनल डे दैट इज टिल 13 अगस्त तक। यानी कि पहले क्या था, पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की पहली प्रोविजनल लिस्ट आई और उस जो लिस्ट है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट है उनका नाम नहीं आया। तो उन्होंने जब इसकी शिकायत की तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में जो फीस एकेडमिक फीस है उसकी जो डेट है वो बढ़ाकर 12 अगस्त तक कर दी। यानी कि जो स्टूडेंट प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया तो वो 12 अगस्त तक अपनी जो फीस है वो पेमेंट कर सकते थे। उसके बाद क्या किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने, इस पर एक्शन लेते हुए जो फीस पेमेंट है एकेडमिक फीस पेमेंट करने की डेट है वो 13 अगस्त तक बढ़ा दिए। तो यदि कोई स्टूडेंट किसी कारणवश जो अपनी फीस है वो पे नहीं कर पाया तो आज 13 अगस्त तक जो उनकी फीस है एकेडमिक फीस है वो आप सबमिट कर सकते हैं। तो आज रात 12 बजे तक जो आप है फीस है वो पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।